यूको बैंक पर नजर रखिए, 2.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सरकार को ये प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर रहे हैं और जो शेयर का भाव है वो देखिए प्रीमियम पर है, 41 रुपीज़ 47 पैसे पर इन्होंने जारी कर रहे हैं सरकार को शेयर और 935 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। आप देखिए करंट मार्केट प्राइस से, क्योंकि ये भाव प्रीमियम पर है इसलिए यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। चार्ट से इसके कैसे लगते हैं किरण आपको, क्या यहाँ पर और तेजी बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक शेयर है जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ FNO में टॉप गेनर यही है। हेमंत जी, न्यूज के चलते इसमें थोड़े से मोमेंटम आ गई है, पर मैं थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में ये रखूंगा। इसमें एक अच्छा सपोर्ट बिल्कुल है 37 के करीब, तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो 37 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और 40-41 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकता है। पर ये रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, इसमें कोई मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलने वाली है, ऐसा चार्ट बता रहा है। शुक्रवार को एनालिस्ट के नतीजे आने वाले हैं यूको बैंक के। बिल्कुल, तो उससे पहले एक अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ये मिड कैप्स सरकारी बैंक नतीजे के बाद कमजोर नहीं हो रही है, एक अच्छा रुझान है। हमने आंध्रा बैंक में भी यही देखा और अब आप देखिए यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी होती दिख रही है। इस बीच एशियन पेंट्स ये एक और स्टॉक है जहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। कमजोर शुरुआत के बाद ये स्टॉक भी रिकवर होता हुआ दिख रहा है निचले स्तर से, आज नतीजे पेश करने वाला है। नतीजे के पहले थोड़ी खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। एशियन पेंट्स के चार्ट्स पर एक राय ले ली जाए, कहीं कोई ये मौका है खरीदारी करने का, ये बताएं किरण क्या कह रहे हैं चार्ट्स? हाँ बिल्कुल, खरीदी करने का मौका है क्योंकि एक नतीजे अच्छे ही आने की उम्मीद है और चार्ट के हिसाब से एक छोटा सा रेजिस्टेंस है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, करीबन 915 920 का, तो उन लेवल्स तक जाने की उम्मीद इमीडिएट बेसिस पे कर रहा हूँ। तो 15-20 रुपए की मूव इधर आएगी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 920 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ये बहुत बड़े लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहलाएगा और इसका टारगेट भी बहुत स्ट्रांग हो गया। 1400-1450 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 920 के ऊपर और इमीडिएट ट्रेडिंग के हिसाब से आप भी बाय करें 920 के टारगेट्स।